हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चाइना ग्रास। चाइना ग्रास बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक रेडीमेड पैकेट लिए हुए पिस्ता फ्लेवर का, जो 100 ग्राम का है। इसके लिए 1/2 लीटर दूध लगेगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1/2 लीटर दूध लिए हुए। इसे बॉईल आने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, दूध को अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अभी हम इसमें जो चाइना ग्रास का पैकेट है वो पाउडर वो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अभी हम ये दूध के अंदर ये पाउडर मिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पर ये पिस्ता फ्लेवर का लिए हुए, आप कोई भी आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ध्यान रखें कि ये नीचे इसके तले पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। हमें साइड से इसकी मलाई निकालते रहना है। अभी हम इसे 5 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, अभी मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया। अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आपके पास जो भी शेप के बर्तन अवेलेबल रहेंगे आप उसमें निकाल लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह के शेप के बर्तन लिए हुए। ये इसके अंदर जेली जो मेरे बेबी को बहुत पसंद है। ये देखिए, हमने सारा इसमें डाल चुके हैं। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए 1/2 से 1 घंटा रेस्ट पर रख देते हैं। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, या तो फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हो। खासकर ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। अभी ये बाहर से दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये घर पर ही मैं बना देती हूँ। आप भी इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। ये लीजिए फ्रेंड्स, अभी ये ठंडा हो चुका है और अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। ये देखिए, ये अभी गिर नहीं रहा, यानी ये तैयार है। अभी हमने आपको यहाँ पर एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने एक पीस इसका निकाल लिया है। बाकी सब नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे बेबी को इसी में खाना बहुत ही पसंद है उसे। आप इस डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए।